नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे विश्व के ऊर्जा संसाधनों के बारे में। ऊर्जा संसाधनों में मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, वो सम्मिलित है। विश्व के ऊर्जा संसाधन है, उनका वितरण यदि देखें वर्ल्ड वाइड तो काफ़ी असंतुलित पाया जाता है। विश्व की ऊर्जा संसाधनों मुख्य रूप से यदि पेट्रोलियम और कोयले का उत्पादन क्षेत्र यदि देखें तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में अधिकांश जो इसके उत्पादक क्षेत्र या खनन क्षेत्र है वो स्थित है। आज की व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे कोयला। विश्व की जो टोटल ऊर्जा आवश्यकता है उसका लगभग 30% कोयले के माध्यम से पूरा किया जाता है, 40% पेट्रोलियम के माध्यम से, 20% प्राकृतिक गैस और 10% जल विद्युत एवं परमाणु ऊर्जा के माध्यम से। इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन देखें तो 30% और कोयला है वो प्रारंभ में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसकी जननी, वो उस समय एकमात्र जो एनर्जी थी, ऊर्जा का जो स्रोत था वो कोयला था, इसलिए इसको जो औद्योगिक विकास है उसकी जननी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पे जो कोयला है उसको मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। एंथ्रासाइट प्रकार, एंथ्रासाइट ये सबसे यानी कि सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला होता है और इसमें जो कार्बन है उसकी मात्रा लगभग 90% यानी कि 90% कार्बन का अंश होता है। और इसमें विशेष तौर से ये हालांकि विश्व में जो टोटल कोयला है उसका केवल 5% है एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है और ये मुख्य रूप से विश्व में दो इसके जो खनन क्षेत्र है उनमें एक पेंसिल्वेनिया यूएसए और दूसरा यूक्रेन का जो डोनबास या डोनेस, यहाँ पर एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला, बिटुमिनस कोयला, इसमें जो कार्बन है उसका अंश 70-90% के मध्य पाया जाता है। विश्व का अधिकांश कोयला इसी प्रकार का है, यानी कि विश्व में जो कोयला पाया जाता है उसका लगभग 80% यानी 80% कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। तीसरे प्रकार का कोयला है वो लिग्नाइट कोयला या जिसको भूरा कोयला भी कहा जाता है और इसमें जो कार्बन है उसका अंश 45-70% तक के कार्बन की परसेंट मात्रा है वो पाई जाती है। चौथा प्रकार है वो पीट, हालांकि इसको ये कोयला बनने की जो प्रारंभिक अवस्था है लकड़ी का जब कोयले में कन्वर्ट होना शुरू होता है उसको पीट कोयला और उसमें कार्बन है उसका जो अंश है वो 45% एंड 45% से कम पाया जाता है। इस प्रकार से कोयले के जो चार प्रकार है। अब विश्व में कोयले का वितरण उत्पादन यदि देखें वर्तमान में तो कंट्री वाइज यदि देखें तो उत्पादन की दृष्टि से यदि विश्व में वर्तमान में तो चीन का पहला स्थान है कुल उत्पादन में, उसके बाद में दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया, तीसरा रूस, चौथा भारत और पांचवा यूएसए। भंडारण की दृष्टि से देखें तो पहला जो स्थान है वो ऑस्ट्रेलिया का है, दूसरा रूस का, तीसरा चीन का। इस प्रकार से यदि कंट्री वाइज देश वाइज उनका कोयला है, कोयला खनन के जो क्षेत्र है उनकी यदि अपन चर्चा करें तो वर्तमान में चीन है जो विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। उसके जो विशेष तौर से चीन का उत्तरी भाग है और उसमें जो शांसी और सैनसी, शांसी सैनसी यानी चीन का 75% जो कोयला है, हालांकि यहाँ पर जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है वो पाया जाता है
वो यहाँ से सांस सेंस से प्राप्त होता है, उसके पास में ही चीन का जो सांटुंग द्वीप है, सांटुंग है, हेनान है, मंचूरिया है, ये चीन है, उसके अन्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इस प्रकार से चीन वर्तमान में जो कोयला उत्पादन है उसकी दृष्टि से संपूर्ण विश्व में पहला स्थान रखता है। CIS की बात करें यानी पूर्व सोवियत संघ की यदि बात करें तो इसमें विशेष तौर से दो तीन देश है, यूक्रेन, यूक्रेन का डोनबास या डोनेस एक ही बात है, यहाँ पर विशेष तौर से एंथ्रासाइट प्रकार का जो कोयले की बेस्ट क्वालिटी है वो यहाँ पर पाई जाती है, और इसी के पास में जो डोनबास है वहीं पर किरवायरोग लो एस का प्रमुख खनन क्षेत्र है, इसकी वजह से ये यहाँ का मेन इंडस्ट्रियल रीजन है, हब है, वो बना हुआ है। रूस, रूस है, उसमें जो कुजबास, कुजबास है, मास्को और टूला, मास्को के आसपास और टूला का जो क्षेत्र है, गजीरा बेसिन है, यूराल बेसिन, यूराल के आसपास का क्षेत्र, यहाँ ये रूस है, उसके प्रमुख कोयला उत्पादक और भंडारण के क्षेत्र है। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में विशेष तौर से कारागंडा क्षेत्र है, वो कजाकिस्तान में कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। इस प्रकार से देखें तो जो CIS या पूर्व सोवियत संघ है वो कोयला उत्पादन और भंडारण की दृष्टि में वर्तमान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। USA संयुक्त राज्य अमेरिका की यदि बात करें तो इसमें दो क्षेत्र यानी कि पेंसिल्वेनिया क्षेत्र और अपलेशन क्षेत्र। पेंसिल्वेनिया क्षेत्र में बेटर क्वालिटी का जो एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला है वो यहाँ पर पाया जाता है, हालांकि कम मात्रा में पाया जाता है। पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, केंटुकी, वर्जीनिया, इलिनोइस, ये इसके अन्य क्षेत्र है। अपलेशियन क्षेत्र, अपलेशियन क्षेत्र में इसका उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी भाग है, यहाँ पर भी कोयला है, विशेष तौर से बिटुमिनस प्रकार का कोयला है यहाँ पर पाया जाता है। इस प्रकार से USA है वो भी कोयला है उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में विशेष तौर से इसका न्यू साउथ वेल्स प्रांत यानी क्वींसलैंड और विक्टोरिया के बीच का जो क्षेत्र है या जो उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है वहाँ मुख्य रूप से कोयले के काफ़ी डिपोजिशन यानी भंडार है वो पाए जाते हैं, और वर्तमान में उत्पादन की दृष्टि से भी चीन के बाद में ऑस्ट्रेलिया का दूसरा स्थान है। फ्रांस, फ्रांस में यदि देखें तो फ्रांस का सार यानी कि यहाँ पर लो एस्क वो भी उसका खनन भी किया जाता है, और मुख्य रूप से यहाँ ये कोयला क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त फ्रांस का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र यानी बेल्जियम से टच करने वाला क्षेत्र है, वहाँ पर कोयला है, उसके काफ़ी भंडार है वो पाए जाते हैं और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ पर भी बिटुमिनस प्रकार का कोयला ही पाया जाता है। जर्मनी, जर्मनी सार यानी कि जो सार कोयला क्षेत्र है उसका कुछ भाग जर्मनी है, उसके दक्षिण पश्चिम भाग में पाया जाता है, और उसके अतिरिक्त वेस्ट फाली यानी रूर घाटी क्षेत्र है वो भी फ्रांस, जर्मनी है, उसका मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। सैक्सोनी जो जर्मनी का एक मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है, और यह विशेष रूप से लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, ये संपूर्ण विश्व में लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। भारत की बात करें तो भारत में विशेष तौर से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है, जरिया है, करण द्रुकपुर है, झारखंड का बोकारो है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये भारत है यहाँ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, या ये कहा जा सकता है कि जो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है वो मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है।
उसके अतिरिक्त तमिल लाडू का नेवेली राजस्थान में यदि देखें तो राजस्थान में भी जो लिग्नाइट कोयला है उसके खनन क्षेत्र है वो पाए जाते हैं, विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान में कपूरी जाली बाड़मेर पलाना बीकानेर नागौर माता सुकसनाऊ इत्यादि। भारत वर्तमान में संपूर्ण विश्व में भारत की जो कोयला उत्पादन में स्थिति है वो चौथे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में ब्रिटेन का डरम का क्षेत्र है, उत्तरी और दक्षिणी वेल्स है, लंका साहिल है, मिडलैंड क्षेत्र विशेष तौर से जहाँ पर बर्मिंगम जैसा जो औद्योगिक क्षेत्र है वो डेवलप हुआ है, उसके अलावा स्कॉटलैंड उत्तरी क्षेत्र में यदि देखें तो ये ब्रिटेन है उसका मुख्य औद्योगिक या मुख्य कोयला उत्पादन का खनन या खनन का क्षेत्र है। इसके अलावा देखें यदि विश्व में तो पोलैंड में साइलेसिया है वो पोलैंड का मुख्य कोयला उत्पादक विशेष तौर से लिग्नाइट कोयले का क्षेत्र है। दक्षिणी अफ्रीका की यदि बात करें तो ओरेंज फ्री स्टेट नेटा ट्रांसवाल ये दक्षिणी अफ्रीका जो है देश है उसके प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। उसके अतिरिक्त देखें तो जापान का विशेष तौर से जो होकेडो होकेडो का आपका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, होनसू का होनसू जो द्वीप है उसका उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर कोयला है वो निकाला जाता है, बिटुमिनस प्रकार का है। हालांकि कोयले की वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, उत्पादन कम होता है, इसलिए जापान एक मुख्य कोयला आयातक देश है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि विशेष तौर से कोयला है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में उसका जो डिपोजिशंस है वो है और मुख्य रूप से कार्बोनिफेरस जो युग है उसका कोयला संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। कहीं कहीं पर टर्शियरी युगीन कोयला है वो भी पाया जाता है और वर्तमान में धीरे धीरे इसके जो इसका उत्खनन है वो तेज़ी से किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसके भंडार है वो कम हो रहे ख़त्म होने के कगार पर है। इसलिए निश्चित रूप से जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है जैसे कोयला प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम इनके स्थान पर ऊर्जा की जो गैर परंपरागत स्रोत है उनकी ओर बढ़ना होगा, उनकी ओर डाइवर्ट होना होगा, जिससे जो परंपरागत स्रोत है इनका लंबे समय तक इनका दोहन किया जा सके और आने वाली जो जनरेशन है वो भी इनका बेनिफिट है लाभ ले सके। जय।